दिनांक 17 और 18 फरवरी को पूरे उत्तर प्रदेश में नागरिक पुलिस भर्ती परीक्षा कराई गई थी। इस परीक्षा में काफी तादाद में सॉल्वर्स को पकड़ा गया था। जनपद सिद्धार्थनगर में भी 10 लोगों की गिरफ्तारी की गई थी, क्योंकि इसमें और भी कई लोग जुड़े थे। हम लोग ने जनपद लेवल पे एसओजी सर्विलांस और थानों की पुलिस की एक विशेष टीम बनाई थी। इस टीम ने इसमें काफ़ी काम किया है और इसमें हम लोगों ने एसटीएफ यूनिट गोरखपुर की भी मदद ली है। इसमें हम लोगों ने 4 लोगों को अभी अरेस्ट किया है और जो 4 लोग ये अरेस्ट हैं, इनका नाम है बिट्टू कुमार यादव जो कि हावड़ा पश्चिम बंगाल का रहने वाला है, संजय कुमार गौड़ नटराज प्रजापति और जितेंद्र कुमार भारती, ये तीनों ही जनपद देवरिया के रहने वाले हैं। ये लोग बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से और एक गैंग बना के कई स्टूडेंट्स से इनकी ओरिजिनल मार्कशीट्स, ब्लैंक चेक, एडवांस पैसा, एडमिट कार्ड्स अपने पास गिरवी रखवाते थे और उसके बाद एग्ज़ाम शुरू होने के 2 घंटे पहले व्हाट्सएप के माध्यम से क्वेश्चन पेपर अवेलेबल करा के इन लोगों को दे दिया करते थे। इन सभी की गिरफ्तारी की गई है, इनके पास से भारी मात्रा में बरामदगी हुई है, 32 अदद मार्कशीट जिसमें कई अभ्यर्थियों की ओरिजिनल मार्कशीट्स हैं, प्रमाण पत्र, ब्लैंक चेक, चेकबुक, पासबुक्स, स्टाम्प पेपर्स, कई इकरारनामे, एप्लीकेशन फॉर्म्स, एडमिट कार्ड्स, मोबाइल, लैपटॉप, चार्जर, एटीएम, पैन कार्ड इत्यादि। इनसे और विधिवत पूछताछ की जा रही है। इनके गैंग से जुड़े जो भी लोग होंगे उन सबको जल्द पकड़ के गिरफ्तारी की जाएगी। 419, 420, 467, 68, 120 बी और 6/10 उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम का अपराध इन्होंने किया है और आगे इनके ऊपर गैंगस्टर की भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।